हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगांतोधारा। इस वीडियो बात करने वाला हूँ एग्रीमेंट और ऑफर लेटर के बारे में। बहुत सारे भाई ने कमेंट किया है एग्रीमेंट क्या होता है और ऑफर लेटर क्या होता है और कौन सा पहला मिलता है, क्या एग्रीमेंट छोड़ के कातर में जा सकते हैं, क्या ऑफर लेटर छोड़ के कातर में जा सकते हैं। बहुत सारे भाई का इस तरह सा कॉमेंट आया है। इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा एग्रीमेंट और ऑफर लेटर दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ऑफर लेटर छोड़ के वीसा आता है कि नहीं, एग्रीमेंट छोड़ के वीसा आता है कि नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन भी प्रेस करके रखे। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। कतर में किसी भी कंपनी में आने के लिए आपको कंपनी का इंटरव्यू देना पड़ता है, सीवी सिलेक्शन पेपर जमा करना पड़ता है और सीवी सिलेक्ट किया है, इंटरव्यू सिलेक्ट किया है तो उसी चीज में आपको ऑपरेटर मिलता है। कभी कभी क्या होता है ऑपरेटर छोड़ के आपको वीसा आता है, ऑपरेटर जरूरत होता नहीं, ऐसा भी बहुत सारे कंपनी ऑपरेटर नहीं देता है तो ऑपरेटर छोड़ के आप वीसा मिल सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट ऑपरेटर दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। एग्रीमेंट अलग चीज है, ऑफलेटर अलग चीज है। ऑफलेटर में सिर्फ आपको सैलरी रहेगा और आपको क्या का ऑफर करेगा कंपनी, उसके बाद ऑफर में आप एग्री होगा तो आप साइन करके उस ऑफर का ले सकते हैं। और एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर आप वीसा मिलने के बाद कंपनी आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट में डिटेल्स रहता है आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना टाइम का कितना परसेंट मिलेगा, आपको फूट मिलेगा कि आप फूट के लिए रियल मिलेगा, पूरा डिटेल्स ही आपको एग्रीमेंट में रहता है, उसका को साइन करना पड़ता है। तो एग्रीमेंट में 2 साल का एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए कंपनी आपको 2 साल के लेके लेके जा रहे हैं, 2 साल के लिए एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट आपको देखना ही चाहिए और एग्रीमेंट में आपको क्या क्या रहता है वो भी आप लोगों को देखना चाहिए। ऑपरेटर वैलिड नहीं है लेकिन आपको जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट आपको बहुत ज्यादा वैलिड है। एग्रीमेंट का आपको पहले से देखना है, एग्रीमेंट अलग चीज है और एग्रीमेंट में आपको बहुत सारे चीज आपको रहता है। एग्रीमेंट में क्या क्या रहता है और क्या क्या चीज आपको देखना है फुल डिटेल्स आपको जानकर चाहिए तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा एग्रीमेंट के बारे में। वर्कर और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट रहता है पूरा डिटेल से उस वीडियो आप लोगों को बताया है। ऑपरेटर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा ऑपरेटर के बारे में, एक ऑपरेटर की जनरल ऑपरेटर के बारे में वीडियो बनाकर वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे भाई का जो डाउट है क्लियर हो गया है, जो ऑपरेटर है और एग्रीमेंट है दोनों चीज अलग है। ऑफर लेटर आपको पहले आता है, एग्रीमेंट बाद में होता है। जैसे आपको आता में जाने से पहले आपका साथ कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, वो वीसा मिलने के बाद भी होता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको वीसा इशू होता है और वीसा इशू होने के बाद आपका साथ एग्रीमेंट होता है। आप लोगों को जानकारी मिल गया है ऑफर लेटर और एग्रीमेंट के बारे में, कौन सा चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी आप लोगों को जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।